फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस ट्राउज़र की कटिंग बहुत ही इजी से स्टेम में आपको कर दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इजी से स्टेम में हम इसकी कटिंग बताएंगे। सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है और फोर फोल्ड करना है, और ध्यान रहे कनिया अपनी साइड आनी चाहिए, चारों कनिया, और इस तरीके से इसको बिछा लेंगे। बहुत ही इजी से स्टेम में आज इसकी कटिंग होने वाली है। सबसे पहले बिछाने के बाद बिल्कुल सीधी नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अब इसकी कटिंग कर देंगे। इस कटिंग से क्या होता है, जो हमारा कपड़ा ऊपर नीचे होता है वो बिल्कुल एक समान कटिंग करके एक समान आ जाता है, जिससे हमारी हमें कटिंग करने में बहुत ही आसानी होती है और जो छोटा बड़ा कपड़ा होता है वो निकल जाता है। और आइए अब इसकी मार्किंग करेंगे। मार्किंग बहुत ही इजी सी है, बस ध्यान से देखना। फ्रेंड्स ये हम आपको नाप बताते हैं, हमारी इसकी नाप कुल टोटल गोला इसकी 28 इंच है, यानी कि 14 इंच एक साइड से है और 36 इंच इसकी लंबाई है और 5 इंच मोरी है। अब फ्रेंड्स हम इसकी नाप का निशान लगाते हैं। नाप हमें 36 इंच है हमारी इसकी टोटल लंबाई, हमें इसमें 5 इंच और ऐड करना है, और इस 5 इंच का हम कैसे यूज करेंगे वो भी बताएंगे। आपकी जो भी लंबाई होगी आप उसमें 5 इंच इसी तरीके से एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ये हमारी टोटल लंबाई का निशान है और हम एक सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। फ्रेंड्स और इसके ठीक नीचे हम 16 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फिलहाल हम 3 निशान लगाएंगे और इन्हीं में ही आपको इसकी मार्किंग बताएंगे। ये हमारा 16 इंच पर निशान हो गया। हम बहुत ही धीरे धीरे से आपको इसकी कटिंग सिखा रहे हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से सीख सके। और यहाँ पर हम टोटल लंबाई पर जितनी हमारी लंबाई है उतनी पर निशान लगाएंगे। और इसको भी सीधा सीधा मार्क कर देंगे। और अब लगाते हैं हम इनकी फिटिंग का निशान, जितना हमें तैयार करना है। फ्रेंड्स हमारी 14 इंच थी, क्योंकि ये 4 फोल्ड है, एक साइड से हमारा 14 इंच था, तो इसमें हम 4 इंच और ऐड करेंगे, तो 7 उसका आधा हो गया, 7 और 7 में 4 इंच और ऐड करेंगे, क्योंकि ये डबल कपड़ा है हमारा। और 11 हो गया, और 11 पर हम निशान लगा देंगे, और फिर नीचे 16 इंच पर ठीक 11 पर यहाँ पर निशान लगाएंगे हम। ये हमारा आसन का निशान है। और यहाँ हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जिसे हमारे को बैठने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम इसकी लूजिंग रखते हैं पूरे 2.5 इंच। और फ्रेंड्स ऊपर आपको समझ आया, यानी कि 7 हमारा था, 7 के बाद हमें 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है और 2.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा। आपकी जितनी भी नाप है उसमें आप इसी तरीके से एक्स्ट्रा ऐड कर देना। और फ्रेंड्स अब ये 2 इंच हमारा बेल्ट आएगी, हमें इलास्टिक यहाँ पर डालनी है, इसके लिए हम मार्किंग कर देंगे। ये हमारी बेल्ट है। अब हम आसन का निशान लगाएंगे।
और अब हम इसको सीधा मार्क करेंगे और यहाँ से थोड़ा 2-2.5 इंच पर गोलाई इस तरीके से गोलाई देंगे। और यहाँ पर हमारी 5 इंच की मोरी है तो हम 6.5 इंच इसमें 1.5 इंच फालतू रखेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। और फ्रेंड्स ये नीचे हमने 3 इंच छोड़ रखा है अपना कपड़ा क्योंकि हम इसमें पीछे इसको मोड़ेंगे, ये फोल्ड करने के लिए है हमारा। एक चुप रो कपड़ा हम पीछे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा नीचे निशान लगाना है ताकि हम जो फोल्ड करते हैं वो कपड़ा हमारा बिल्कुल एक समान हो जाए। यहाँ से हम इस तरीके से इसका घुमा देंगे फ्रेंड्स, इससे एक और भी चीज़ होती है। और बाकी इस तरीके से स्केल रखकर इसको मिला देंगे। अब फ्रेंड्स हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी टोटल लंबाई है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दोनों पार्ट एक साथ काटे हैं, मतलब चारों पार्ट। और इसमें हमें 4 इंच का इसीलिए लूजिंग रखा है ताकि आपको बैठने में या उठने में कोई टेंशन ना हो और बहुत ही इजी से ये कटिंग हो जाती है, इसमें बिल्कुल भी ही मुश्किल नहीं है। ये हमारी बेल्ट के लिए फोल्ड हो जाएगा और अब हम नीचे से कटिंग कर देंगे। और फ्रेंड्स जो हमने एक्स्ट्रा रखा है नीचे कपड़ा, हम इसकी इसका आपको इसके लिए बताते हैं, ये हमने क्यों एक्स्ट्रा रखा है नीचे कपड़ा। ये जब हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा एकदम एक समान आएगा, ये कम ज़्यादा नहीं आएगा। और हमारा कपड़ा जो बराबर से ऊपर उठता है वो भी बिल्कुल नहीं उठेगा और बिल्कुल एक समान हमारा ट्राउज़र रेडी हो जाएगा। और अब हम इसकी पॉकेट कट करेंगे। ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स, हम इसकी पॉकेट कट करेंगे। इसके लिए हम 11 इंच की लंबाई लेंगे और 6 इंच यहाँ से इसकी चौड़ाई लेंगे। ये फ्रेंड्स हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है। इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। इसको खोल कर आपको दिखाते हैं। और फ्रेंड्स नीचे से हम इस तरीके से इसका कोन काट देंगे, इससे हमारी पॉकेट तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर हमें इसको खुला रखना है और बाकी भाग कोम को नीचे इसको बंद कर देना है। तो हमारी ट्राउज़र की इजी से कटिंग हो चुकी है।